हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ 3 महीनों के अंदर हमने मिलकर 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, और ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है। एंड आई नो कि जल्दी आप और हम मिलकर 10000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लेंगे। अगर आप भी मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मूवी का नाम DM कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी हॉररलैंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैंने कई सारी वीडियोस पहले से शेयर की हुई है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो आज मैं मूवी लैनेट यानी कि मुसल्लत पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, जो कि बाकी टर्किश मूवी की ही तरह रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। यह मूवी मुसल्लत सीरीज का ही सेकेंड पार्ट है, और अगर आप भी मुसल्लत पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दिया है, तो आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें कई सारे फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि ये फोटोग्राफ्स काफी पुराने समय के हैं। और एक टेक्स्ट स्क्रीन पर शो होता है जो कि टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसका मतलब यह होता है कि फिल्म में सभी कैरेक्टर्स के नाम कानूनी कारणों के चलते बदल दिए गए हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी, और 3 आदमी उसके साथ साथ चल रहे थे। उन आदमियों के बीच हो रही बातचीत से हमें ये पता चलता है कि वो औरत तंत्र मंत्र करने वाली एक तांत्रिका थी जो कि काला जादू करती थी, और वे सभी वहाँ पर जमीन में दफन खजाने की तलाश में आए थे, जिसके बारे में उस औरत को एक जिन्न की मदद से पता चला था। वो औरत एक जगह पर आकर रुकती है और जमीन पर गोल निशान बनाती है। वो एक खाली प्याले में टोना टोटका करती है, जिससे कि उसे ये पता चलता है कि खजाने की रखवाली करने वाले जिन्न उस खजाने को कहीं और ले गए हैं। और उस औरत की एक जोरदार चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम यह देखते हैं कि एलिफ नाम की एक लड़की अपने रूम में उसकी बेस्ट फ्रेंड ओइकू के साथ बैठी बातें कर रही होती है। दरअसल ओइकू का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, और वो अपने दिल को हल्का करने के लिए आज की रात अपने बेस्ट फ्रेंड के घर रुकने वाली थी। एलिफ ओइकू को यह बताती है कि उसने पिछली रात एक अजीब सा सपना देखा, जिसमें वो अपने घर के किचन में थी और फ्रीजर में उसको एक लंबे पैरों वाली मकड़ी यानी कि लॉन्ग लेग स्पाइडर दिखी। जब उसने उस मकड़ी को फ्रीजर से बाहर निकाला तो उसे यह महसूस हुआ कि किसी ने उस मकड़ी के पैर कैंची की मदद से काट दिए हो। जिसे सुनकर ओइकू एलिफ से यह कहती है कि उसने अपनी दादी से एक बात सुनी थी, जिसमें उसकी दादी के अंकल ने एक औरत को मकड़ी के पैर कैंची से काटते हुए देखा था, जिससे कि उस अंकल की मदर इन लॉ पर स्पेल किया गया था। इसके ठीक अगले दिन बाद उसकी मदर इन लॉ गायब हो गई, और कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक आदमी को एक बूढ़ी औरत दिखी जिसके पैर कटे हुए थे, और वो औरत उस आदमी को देखकर अपने हाथों की मदद से वहां से भाग गई। और वो आदमी जिसने कि उस कटे पैर वाली औरत को देखा था, वो उस हादसे के बाद से पागल हो गया। एलिफ और ओइकू बात कर ही रही थी कि अचानक रूम का दरवाज़ा खुलता है, और एलिफ की मॉम उन्हें डिनर के लिए बुलाने आ जाती है, जिससे कि वो दोनों काफ़ी डर जाती है। इधर डिनर के बाद एलिफ की मॉम और डैड अपने रूम में बातें कर रहे थे कि क्या वो एलिफ के साथ सही कर रहे हैं या उन्हें उससे सब कुछ बता देना चाहिए। और इतने में एलिफ को बाथरूम में अस्थमा का अटैक आता है, और सब उसे पंप से मेडिसिन देने में मदद करते हैं, और वो पहले की तरह नॉर्मल होती है। अगले दिन एलिफ अपने बॉयफ्रेंड जेंक से मिलती है, जहां जेंक उसे एक पेंडेंट देता है जिसमें बड़ी खूबसूरती से एलिफ नाम लिखा हुआ था। जेंक से मिलने के बाद एलिफ सुपरमार्केट से कुछ सामान और एग्स लेती है, और घर आकर एग्स को बॉक्स से निकाल कर फ्रिज में रखते समय एक एग एलिफ के हाथ से ज़मीन पर गिर जाता है। और एलिफ जब उस एग को उठाती है तो हैरान हो जाती है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो एग बिल्कुल भी नहीं टूटा। एलिफ उस एग को भी फ्रिज में रख देती है, और फ्रिज बंद करके मुड़ती है कि तभी उसे मकड़ी के पैरों को कैंची से काटे जाने का और वो कटे पैर वाली औरत का विजन आता है, और एलिफ बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। इस हादसे के कुछ देर बाद एलिफ की मोम आकर एलिफ को उठाती है, और जो एग एलिफ के हाथ से गिर गया था वो अभी भी उस ज़मीन पर टूटा हुआ पड़ा था। मतलब कि जो एग अभी अभी एलिफ ने फ्रिज में रखा था वो दरअसल एक विजन था। कुछ देर बाद एलिफ के घर पर एक लेडी आती है जो कि फॉर्चून टेलर थी। वो एक चाय के कप में देखकर एलिफ की मॉम को भविष्य बता रही थी, और एलिफ की मॉम के बारे में एक एक बातें सच सच बता रही थी।
वो फॉर्चून टेलर एलिफ की मॉम से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि एलिफ के पैदा होने के बाद उसके पिताजी कुछ ही हफ्तों में चल बसे थे, जिसका जिम्मेदार उसकी मॉम एलिफ को बताती थी। फॉर्चून टेलर एलिफ की माँ से कहती है कि इस घर में उसे डार्क एनर्जी फील हो रही है और वो इसको दूर कर सकती है। और इतने में एलिफ वहाँ से गुजरती है, जिसके कारण फॉर्चून टेलर को वहाँ से जाना पड़ता है। एलिफ एक आर्टिस्ट थी और अपने कमरे में आकर अपनी स्केचिंग कर रही थी कि पास ही के फिश टैंक की मछली उसके पास आकर रुक जाती है और एलिफ को घूरती है, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। और जब रात को एलिफ अपने कमरे में सो रही थी तो उसके आसपास मक्खी मंडराती है, जिसे वो खिड़की से बाहर कर देती है। लेकिन उसे खिड़की से अपनी तरफ एक औरत आती दिखती है, जिसे देखकर एलिफ डर जाती है और वापस अपने कमरे में सोने चली आती है। और यहाँ भी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एलिफ के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और बाहर उसे एक बोरे में दर्द से तड़पता इंसान दिखाई पड़ता है। कि तभी अचानक एलिफ का मुंह कोई अपने हाथों में पकड़ता है और एलिफ की नींद खुल जाती है। अगले दिन एलिफ के फादर अपनी ड्यूटी पर थे। दरअसल वे एक डॉक्टर थे और ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन करके बाहर आते हैं और अपने सीनियर डॉक्टर, जो कि उनके भाई भी थे, वे उनसे मिलते हैं। वो एलिफ के फादर से यह कहते हैं कि एलिफ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और यह सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है, मतलब कि साफ नज़र आ रहा था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। इधर एलिफ अपने बॉयफ्रेंड जेंक के साथ वेकेशन पर गई हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी थी। लेकिन यहाँ भी उसे कोई खास आराम नहीं मिलने वाला था। होता यह है कि रात का समय था, एलिफ जेंक के साथ बेड पर सो रही थी कि तभी उसे एक नाइटमेयर आता है, जहाँ उसे अपने मॉमडेड के साथ चार और लोग डराते हैं, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है और जेंक को सारी बातें बताती है। वो उसे वापस घर चलने की बात कहकर वापस सो जाती है। तो कौन थे ये चार लोग और एलिफ के मॉमडेड एलिफ से क्या छुपा रहे थे, ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब एलिफ जेंक के साथ अपने घर वापस लौट रही थी और वो फ़ोन पर अपने मॉमडेड को वापस आने की खबर देती है। एलिफ के मॉमडेड, जो इस वक्त कार चला रहे थे, वो कार रोकते हैं और एलिफ से फ़ोन पर बात करते हैं कि अचानक पीछे से एक ट्रक आकर एलिफ की मॉमडेड की कार को कुचल देता है, जिससे कि दोनों की मौत हो जाती है और एलिफ अपने माँ बाप को खो देती है। अपने मॉमडेड के फ्यूनरल के बाद एलिफ अपने घर पहुँचती है, जहाँ बस उसके मॉमडेड की यादें थी। वो अपने मॉमडेड की पुरानी चीज़ें देख रही थी, जहाँ उसे कपड़ों के कबड़ में एक अखरोट दिखता है, जिसके अंदर कुछ कागज़ थे जिन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। एलिफ ओयकू के साथ एक जानकार के पास जाती है और उसे वो स्पेल वाले कागज़ दिखाती है, जिसे देखने के बाद जानकार उन्हें बताता है कि ये कोई काला जादू नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा के लिए किया गया स्पेल है। एलिफ को लगता है कि ये स्पेल उसकी माँ ने उस पर करवाया होगा, लेकिन जानकार उसे बताता है कि ये उसकी माँ ने नहीं बल्कि किसी और का काम है। वो आदमी एलिफ के हाथ में कुछ स्पेल लिख कर देता है और एक लाइटर जलाता है। वो कहता है कि अगर एलिफ पर बुरी ताकतों का असर है तो वो उस आँख से डर जाएगी, और ठीक वैसा ही होता है। एलिफ बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है, यानी कि एलिफ पोजेस हो रही थी। लेकिन उस पर यह सब कौन कर रहा था, ये तो कोई नहीं जानता था। अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद एलिफ काफ़ी दुखी थी कि अंकल एलिफ को एक ऐसा सच बताते हैं जो कि एलिफ के पेरेंट्स उसे काफ़ी समय से बताना चाह रहे थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। एलिफ के अंकल बताते हैं कि एलिफ के मदर और फादर को कभी बच्चे हुए ही नहीं, मतलब कि एलिफ उनकी सगी बेटी नहीं बल्कि गोद ली हुई बेटी थी। लेकिन उन्होंने एलिफ को अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार किया। वे लोग एलिफ को एक अनाथ आश्रम से लाए थे। एलिफ के असली पिता का नाम इब्राहिम था और वो कारागाज नाम के गांव में रहता था। एलिफ को अपने अंकल की बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच तो यही था। अब एलिफ के मन में अपने असली माता पिता के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि ऐसा क्या कारण था कि उन्हें उसे अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा। और एलिफ अगले ही दिन कारागाज गाँव के लिए निकल जाती है। एलिफ उस गाँव पहुँच कर वहाँ के लोगों से अपने असली पिता यानी कि इब्राहिम के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो काफ़ी सालों पहले मर चुका है, जिसे सुनकर एलिफ काफ़ी दुखी होती है और गांव के कब्रिस्तान में अपने मरे हुए पिता की कब्र को ढूंढने जाती है। और कब्रिस्तान पहुँचते ही उसे अस्थमा का अटैक आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। काफ़ी समय बेहोशी में रहने के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ काफ़ी रात हो चुकी थी, और वो वापस अपनी कार से अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन हाईवे पर उसकी गाड़ी से
एक जंगली सूअर के टकराने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नज़दीक ही रहने वाले कुछ लोग उसे अपने घर ले आते हैं। इधर ओइकू अपने बाथरूम में पानी से अपना चेहरा साफ कर रही थी, लेकिन उसके पीछे काली सी परछाई खड़ी थी जिसका उसे एहसास होता है, और वो पीछे पलटती है तो उसकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है और उसका चेहरा काफ़ी भयानक हो जाता है, जिसके बाद सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अगले दिन एलिफ उस आदमी से कारागज गांव के बारे में पूछती है जो उसे बचाकर यहाँ लाया था। वो उसे बताता है कि अब कारागज गांव में 10 से 15 लोग के अलावा कोई नहीं रहता और कारागज गांव पूरा खाली हो चुका है। एलिफ उस आदमी से इसका कारण पूछती है, जिस पर वो आगे बताता है कि 25 साल पहले एक औरत अपने पति और बच्चे के साथ यहाँ आई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका पति और बच्चे दोनों गायब हो गए। सबका मानना यह था कि उसने जिन्न को काबू करने के लिए उन दोनों की बलि चढ़ा दी और लोग उसके पास खजाने की तलाश और दूसरों पर ब्लैक मैजिक करवाने उसके यहाँ आने लगे। वो औरत उसके बदले में जानवर की बलि दिया करती थी। वो जानवरों के पैर कैंची से काटकर उससे ब्लैक मैजिक का स्पेल करती थी। वो आदमी आगे बताता है कि इब्राहिम नाम का एक आदमी उस औरत के पास आया था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो औरत भी इब्राहिम की मदद के लिए तैयार हो गई और काफ़ी समय तक इब्राहिम का उस औरत की झोपड़ी में आना जाना चलता रहा, और अंत में हुआ ये कि उस औरत ने एक बहुत ही ताकतवर स्पेल किया जिससे कि पूरा गांव शापित हो गया। अब इब्राहिम और उस औरत के बीच क्या हुआ था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी कीमत पूरे कारागज गाँव को चुकानी पड़ी। कुछ लोगों का मानना था कि उस औरत की झोपड़ी से आज भी जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और कई बार तो उस औरत को भी देखा गया है। एलिफ उस आदमी से कहती है कि क्या वो उसके कारागज गांव जाने में मदद कर सकेंगे, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसका बेटा रेजेप शाम को उसे वहां छोड़ देगा। इधर ओइकू और जेंग किसी को नहीं पता था कि आखिरकार एलिफ है कहाँ। ओइकू जेंग को रात में उसके साथ हुई घटना के बारे में बताती है और उसे लग रहा था कि इस घटना का कोई कनेक्शन एलिफ से तो नहीं। जेंग को एलिफ के अंकल से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे अपने असली माँ बाप के बारे में पता चल गया है, और वह ये अनुमान लगाता है कि एलिफ कारागज गांव अपने असली माँ बाप को ढूंढने गई होगी। और जेंग ओइकू के साथ कारागज गांव के लिए निकल जाता है जो कि उनके शहर से 8 घंटे की दूरी पर था। गांव के नज़दीक पहुँचते ही जेंग की कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो जाती है और वो बाहर जाकर गाड़ी की लाइट चेक करता है, और जब हेडलाइट वापस चालू होती है तो अंदर बैठी ओइकू को सामने कई सारे लोग सड़क के बीच बैठे दिखते हैं। जेंग उनकी तरफ जाने लगता है और उनमें से एक औरत उठकर कार की तरफ आती है और उस औरत की जगह पर जेंग जाकर बैठ जाता है। फिर वो औरत ओइकू की तरफ आती है जो कि काफ़ी डरावनी लग रही थी, और ओइकू से अरबी भाषा में कुछ कहे जा रही थी। इधर एलिफ रेजेप के साथ कारागज गाँव पहुँच चुकी थी और वो सामने जेंग को देख कर चौंक जाती है। जेंग एलिफ से कुछ नहीं कहता, बस अपने पीछे आने को कहता है, और एलिफ भी ठीक वैसा ही करती है। जेंग एक झोपड़ी के अंदर जाकर गायब हो जाता है जहाँ काफ़ी अंधेरा था, और एलिफ लाइटर की रोशनी के सहारे अंदर जाती है, और अंदर से एलिफ को कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो लगातार उसे बुला रही थी। एलिफ उस आवाज़ का पीछा करते करते एक कमरे में पहुँचती है जहाँ उसे दो औरतें दिखाई देती है जो काफ़ी भयानक थी, और यहीं से खुलते हैं मूवी के असली राज। मूवी की स्टोरी 27 साल पीछे चली जाती है जहाँ इब्राहिम और उसकी वाइफ अपने माता पिता और एक बहन के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन कोई उन दोनों से बात नहीं कर रहा था क्योंकि उनकी शादी के कई साल बाद भी उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था, और इब्राहिम के बूढ़े माँ बाप अपने पोते की शक्ल देखना चाहते थे। अपने माता पिता के इस तरह के बर्ताव के चलते इब्राहिम अपनी पत्नी से कहता है कि वो झोपड़ी वाली तांत्रिक औरत के पास जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो औरत उनकी मदद कर सकती है, लेकिन इब्राहिम की पत्नी इसके बिल्कुल खिलाफ थी क्योंकि पूरे गांव वालों को पता था कि वो औरत अपनी काले जादू से कई बुरे काम करती है। लेकिन इब्राहिम उसे यह कहकर मना लेता है कि उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो पहले भी कई हकीमों और ओझा के पास जा चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानी का हल नहीं हुआ। अगले दिन इब्राहिम की बहन उसे उस झोपड़ी वाली औरत के पास ले जाती है जहाँ वो औरत इब्राहिम की पत्नी के पेट पर किसी जानवर के खून से स्पेल लिखती है, और इब्राहिम की पत्नी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इब्राहिम के कहने पर उसे बार बार उस झोपड़ी में जाना पड़ता था। एक दिन इब्राहिम की पत्नी को उस औरत ने आखिरी बार अपनी झोपड़ी में बुलाया और कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ रस्सी से बांध दिए, फिर उसे अपने साथ साथ मंत्र बोलने को कहे
और वो औरत इब्राहिम की पत्नी के ऊपर लगातार जानवर का खून डाले जा रही थी। उसने जिन्नों से कहा कि इब्राहिम की पत्नी की कोख भर दे और बदले में उसने जिन्न को जानवर ऑफर किए। और कुछ देर बाद उस झोपड़ी से बस जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस प्रोसेस के कुछ ही दिनों में इब्राहिम की पत्नी इब्राहिम को खुशखबरी सुनाती है और इब्राहिम उस झोपड़ी वाली औरत के पास ऑफर के रूप में कुछ जिंदा मुर्गियाँ और कुछ अन्य चीज़ें भी ले जाता है। लेकिन वो औरत इब्राहिम को यह कहकर वापस जाने को कहती है कि उस बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जिन्न की मदद से उसने इब्राहिम की पत्नी की कोख भरी थी वो काफ़ी ताकतवर है और वो अपना बच्चा वापस लेकर ही जाएगा। 9 महीने बाद इब्राहिम के माता पिता अब काफ़ी खुश थे, क्योंकि इब्राहिम के घर एक लड़की ने जन्म लिया था और इब्राहिम के माता पिता अब दादा दादी बन गए थे। इधर जिन उस झोपड़ी वाली औरत को लगातार परेशान कर रहा था और वो औरत इब्राहिम के घर उसकी बच्ची को वापस लेने आती है। वो कहती है कि इस बच्ची को वापस जाना होगा, नहीं तो वो जिन इब्राहिम के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। लेकिन इब्राहिम उस औरत की बात को ना सुनकर उसे वहाँ से धक्के मार के भगा देता है। लेकिन वो औरत जैसे तैसे इब्राहिम की बच्ची को चुरा कर वहाँ से ले आती है और अपनी झोपड़ी में उसे ख़त्म करने ही वाली होती है कि इब्राहिम वहाँ पर पहुँच जाता है और उस औरत को बोरे में बंद करके बहुत पीटता है और अपनी बच्ची को वहाँ से वापस लाकर अपने घर के पीछे गड्ढा खोदता है, जिसमें कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को जिंदा दफना देता है। और अंदर घर में इब्राहिम की पत्नी और इब्राहिम की बहन दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं और अंत में इब्राहिम भी मारा जाता है। और बस बचती है तो सिर्फ वो बच्ची यानी कि एलिफ, मतलब कि एलिफ ही इब्राहिम की, या यूं कहें कि जिन्न की शापित बेटी थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलिफ उस बूढ़ी औरत की गोद में सिर रखकर बैठी है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और एंड में एक मैसेज दिखाया जाता है जिसका मतलब यह था कि इस घटना के बाद एलिफ किसी को भी नहीं दिखी और आज तक लापता है। तो दोस्तों, एलिफ असल में एक शापित बच्ची थी जिसकी बॉडी तो इंसानी थी लेकिन सोल दूसरी दुनिया की थी, जिसे कि जिन्न वापस अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। एलिफ के स्टेप पेरेंट्स ने उसे सुरक्षित करने के लिए एक स्पेल करवाया था जिससे कि वो बची रहे, लेकिन एलिफ के बाहर जाते ही स्पेल टूट गया और एलिफ के स्टेप पेरेंट्स को जान गंवानी पड़ी। और जब एलिफ को अपनी असलियत का पता चला तो धीरे धीरे वो भी पोजेस हो गई। एलिफ के असली फादर इब्राहिम थे और उसने उस झोपड़ी वाली औरत के मना करने के बाद भी अपनी बच्ची को जन्म दिया, जिसे वापस पहुंचाने की कोशिश उस औरत ने की तो थी लेकिन इब्राहिम ने उसे मार डाला। और वापस घर आते आते इब्राहिम का पूरा परिवार पजल्ड हो गया और एलिफ को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे गए। एलिफ उस झोपड़ी में ही जन्मी थी और वहीं से वापस जिन्ने की दुनिया में जा सकती थी, इसीलिए जिन्ने ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें एलिफ खुद चलकर उस औरत की झोपड़ी तक आई। जिन्न बिना किसी वजह के किसी को नहीं मारते और उस जिन्न ने भी इंतज़ार किया कि एलिफ के स्टेप पेरेंट्स एलिफ को सच बताएंगे और वो अपनी फैमिली को ढूंढते ढूंढते कारागार जरूर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, इसीलिए जिन्न ने पहले एलिफ के स्टेप पेरेंट्स को मारा ताकि एलिफ को अपने अंकल से उसकी सच्चाई का पता चले और वो कारागास गांव वापस चली आए। और कारागास गांव में उस औरत की झोपड़ी में आते ही एलिफ गायब हो गई, यानी कि जिन्न की दुनिया में चली गई। मूवी की स्टार्टिंग में जो पुराने फोटोग्राफ्स दिखाए गए थे वो असल ज़िंदगी के एलिफ और उसके माँ बाप के थे, जिनके साथ ये दर्दनाक घटना हुई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।